आज के दिन आवश्यकता है वैचारिक दृढ़ता की, मूल चिंतन प्रतिबद्धता की और राष्ट्र भावना की, भावना के प्रसारण की। ये तीनों हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में विराजमान हैं, जो गत दशक से देश को एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहे हैं कि पूरी दुनिया हतप्रभ है। दुनिया में भारत की पहचान आज अलग है और इसमें उत्तर प्रदेश की भागीदारी 2017 के बाद गुणात्मक है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश उससे पहले किस चपेट में था? डर की चपेट में था, शासन शिथिल था, आम आदमी परेशान था, कानून का राज नजर नहीं आता था। आपने ये ख्याति अर्जित की है और देश में जो विकास की गंगा बह रही है उसमें आपने उत्तर प्रदेश की भागीदारी 2017 से निरंतरता से की है। ये राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, राष्ट्र हमारा धर्म है, राष्ट्र के प्रति हमारा समर्पण पूर्ण है। हमें निजी स्वार्थ, राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर राष्ट्र धर्म रखना पड़ेगा। यदि अगर इसमें कमजोरी आती है तो हजारों साल की संस्कृति के प्रति हम कुठाराघात करते हैं, क्योंकि आज का भारत 10 वर्ष पहले का भारत नहीं है। तब भारत की स्थिति क्या थी? और मैंने तो खुद देखा है, एक जमाना था, मैं मंत्री था केंद्र में, सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश का सोना हवाई जहाज से स्विट्जरलैंड के दो बैंकों में गिरवी रखा गया, हमारी साख बने, क्योंकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज तब 1 बिलियन और 2 बिलियन US डॉलर के बीच में था, जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी 680 बिलियन से ज्यादा है। कहां आ गए हम? मंत्री की हैसियत से जब कश्मीर गया 1990 में, श्रीनगर में कोई दिखाई नहीं दिया। उस जम्मू एंड कश्मीर में हर साल पिछले 2-3 साल से 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक जा रहे हैं। ये आप आज के भारत में हुआ है। 370 अनुच्छेद जिसको संविधान निर्माताओं ने टेम्पररी कहा, कुछ लोग बहम में उसको परमानेंट मान बैठे। इस कालखंड में, इस दशक में उसको विलुप्त कर दिया गया। ये आज का भारत है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि यदि अगर हम राष्ट्रवाद से समझौता करेंगे, वो राष्ट्र के साथ चरम धोखा होगा। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, आवश्यकता है उनको समझाने की, वरना जनता को आध्यात्मिक प्रतिघात उन पर करना पड़ेगा। कैसे कोई कल्पना कर सकता है कि इस महान भारत में, जहां प्रजातंत्र जीवंत है, पड़ोसी देश जैसे हालात हो सकते हैं? नहीं कर सकता। जहां भी कोई राष्ट्र पर प्रश्न चिन्ह उठाता है, हमें बर्दाश्त नहीं करना है। मैं निश्चित मानता हूं कि ऐसा नहीं होगा। देश में एक बहुत बड़ी यात्रा चल रही है। यह महायात्रा 2047 में जब आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहे होंगे, ये मैराथन मार्च है जिसमें आपकी सैनिक स्कूल का योगदान रहेगा, छात्रों छात्राओं के माध्यम से रहेगा,
और भावनात्मक भी रहेगा, प्रेरणादायक रहेगा। और मेरा तो आप सबसे आग्रह है, विनती है कि जो हवन हो रहा है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, इस हवन में हम हरेक को अपनी आहुति देनी चाहिए। ये समय आ गया है कि हम देश के लिए जो कर सके करना चाहिए, जितना करेंगे वो कम है। मैं छात्रों से एक बात कहना चाहूंगा जो मैंने खुद महसूस की है। जब गांव से सैनिक स्कूल गया, मैं हतप्रभ रह गया। गांव से गया था, न बिजली थी, न सड़क थी, न शौचालय था। आज तो घर घर हो रहा है, सैनिक स्कूल में सब उपलब्ध था। मुझे लगा मैं कहाँ आ गया। बाद में मुझे पता लगा कि मैं सैनिक स्कूल की वजह से कहाँ आ गया। यह सैनिक स्कूल की शिक्षा है जिसकी वजह से मैं आपके समक्ष हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों बच्चियों, मैं आपसे पहली बात यह कहूंगा, डर का डर अपने मन से निकाल दो। डर का डर हमेशा इमेजिनरी होता है, फैंसीफुल होता है, इसका कोई आधार नहीं होता है। आप डरोगे, आपकी प्रतिभा कुंठित होगी। दूसरा, असफलता से तो बिल्कुल ही मत डरिए। असफलता सफलता का शुरुआत केंद्र है। याद कीजिए चंद्रयान दो बहुत हद तक सफल हुआ, पर पूर्ण सफल नहीं हुआ। कुछ लोगों ने उसको असफल करार किया। पर चंद्रयान तीन 23 सितंबर 2023 23 अगस्त जिसको हम कहते हैं स्पेस डे, 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान तीन चांद के उस कोने पर उतरा जहां दुनिया का कोई देश उतार नहीं पाया था। उस चांद पर हमने तिरंगा पॉइंट और शिव शक्ति पॉइंट किया। पर उसके सफलता की नींव चंद्रयान दो की आशिक सफलता से थी। असफलता से मत घबराइए। छात्र छात्रा हो आप, उन गिने चुने लोगों में हो जिनको इस प्रकार की शिक्षा का लाभ मिल रहा है। यदि अगर अंदाजा लगाओगे और छात्र छात्राओं की संख्या के हिसाब से देखोगे तो कितना धन का अर्जन एक छात्र छात्रा पर हो रहा है, इसका लाभ समाज को मिलेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं तो यहां आकर प्रफुल्लित हूं, भाव विभोर हूं। यह बात जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि मैं जो आज देख रहा हूं वो आज से 6 दशक पूर्व का दृश्य देख रहा हूं। जब मैं सैनिक स्कूल में था वहां का ढांचा धीरे धीरे बना था। यहां शुरुआत में माननीय मुख्यमंत्री जी आपने अकल्पनीय काम कर दिया है। जो आपने किया है अभिभूत है। और ये सैनिक स्कूल दो काम अवश्य करेगा। एक तो हर राज्य को प्रेरणा देगा कि वो आपकी तर्ज पर सैनिक स्कूल सोसाइटी बनाए और सैनिक स्कूल बनाए। और दूसरा, बच्चों की संख्या यहां क्या है यह महत्व नहीं है। जो वो सीखते हैं उसका प्रसार सकारात्मक रूप से कोविड से भी ज्यादा होगा। मैं कामना करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और मानकर चलता हूं कि जो मेरा लगाव गोरखपुर से सैनिक स्कूल के पूर्व छात्र होने की दृष्टि से हुआ है वो जीवंत पर्यंत रहेगा। और